थैंक यू इंस्पेक्टर जी, आपने हमारी बहुत मदद की। इस आदमी को तो मैं खत्म करके ही छोड़ देता। La police française sera toujours là pour vous. C'est un homme dangereux pour nous aussi. La French police hamesha aapke saath hai. Aur ye aadmi logon ke liye bhi khatra ban sakta hai. Is dungra naam ke aadmi ka naam hi mita dunga main is duniya se. On a fait des recherches aussi sur herpes dangereux. Jin logon ne kuch inquiry li hai aapke saath. Acha? To kya? Kya pata chala aap logon? Apparemment, il traînerait avec beaucoup de gens riches. काफी अमीर लोगों से मिलता जुलता है आजकल। अमीर लोगों से क्यों क्यों मिलता है वो अमीर लोगों से? En tout cas, ils sont tous aussi futés. Ils font tous partie de la mafia. पता नहीं, मगर ये सब लोग उसी की तरह बदमाश हैं, सब अंडरवर्ल्ड के लोग। अच्छा, जूली क्या आप लोगों को पता है वो कहाँ आते जाते रहता है इस एरिया में? Vous savez, dans ce quartier de Paris, il y a plein d'Indiens, de Sri Lankais, plein de boutiques. Ils peuvent se cacher n'importe où. पेरिस के इस एरिया में काफ़ी इंडियन और श्रीलंकी हैं, तो वो यहाँ आसानी से छुप सकता है। तो फिर वो ज़्यादातर कहाँ पर आता है? Apparemment, il serait souvent dans un magasin de sari. Sari? Sari shop? Yeah. कहाँ पर? L'argent, t'as planqué où? C'est pas de quoi vous parler. Voilà, qu'est-ce qui va te créer? Est-ce que malou ou ni coach? Tiens, malou, hein? Qu'est-ce qu'il y a besoin? Tu sais que qui on travaille? Laissez-moi tranquille. Ah, que tu laisses tranquille. On te laisse tranquille. Volta et chorde. Pas vu chorde, t'en loupes fait. Ah, boss! Téda ho gaya, ye. Eiffel Tower ke niche téda ho gaya. क्या नहीं बॉस, क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते बॉस पेरिस में। ओके बॉस, ओके। बहुत बड़ी गलती कर दी जिंदगी की, बाहर आया। अब सब पंटर लोग इधर आईफल टावर के नीचे फला फल खा रहे हैं। सुन, लोटस के फूल, ये अपनी चिल्ली है, इसको जरा इधर का नज़ारा वज़ारा दिखा ले। समझा, आइसक्रीम खिला, चिकन चिल्ली खिला और इसके जूते मैंने नए लाके दिए। उसके जूते की तरफ देखने का, मुंह की तरफ देखा तो तेरे मुंह की चमड़ी खींच के उसके जूते बना दूंगा, समझा? चल चिल्ली, ही विल शो यू अराउंड आईफल।
अच्छा तो ये मच्छर तंग कर रहा था। हाँ बस। Vous me connaissez pas ici. Moi, franchement, je suis respecté. Tout ça, c'est mon quartier. कौन से फीचर गाना गा रहे हैं? बोलता है जानते नहीं हूँ मुझे। फ्रांस में इसका बड़ा नाम है। ये इसका इलाका है बस। हाँ। इसको बोला इलाका ना कुत्तों लोग कर रहा। और कुत्तों का काम रहता है दूम इलाका क्या है तुम्हारा? दूम। Le quartier, c'est pour les chiens. Et les chiens, il y a vécu, tu sais. La police me craint ici. पुलिस भी जानती है इसको बस। पुलिस ये भी जानती है कि ये दो नंबर का माल इधर से उधर करता है। हाँ इतना बड़ा आदमी है तो ये जिंदी जोर लोग जो इधर उधर कुछ बेचते ना हाँ उन लोग से माल क्यों लूट रहे हैं सबसे जान दो उसको सर तू पैसा 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 बता पैसा बता पैसा मनी 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 नहीं 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 बोल रहा नहीं बोल रहा नहीं बोल रहा नहीं बोल रहा नहीं बेकार आदमी बेकार इसको कार में ले गए ये जरा सुनने देखो जरा तीन सौ बड़ा सुना दो तो मजा आ गया गो विल शो यू अराउंड विल शो यू अराउंड गो 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 या उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता चल सकता है शायद वो अंदर ही मिले हैं चलो लिख दिस दिस लाइक ओए इस गोर के तकार ओ सिर इस भी पड़ दूँगा यहाँ पे ये जिंदा कैसे बच गया ये कौन सी मिट्टी का मना है साला मरता ही नहीं Oh, il y a un flic aussi avec lui. Quoi? Quel homme? Couteau, couteau, madame. Qui? Salah. Hey. Yo, Salah. Salah, il est venu ici, tu peux te faire. Tu as peur du ACP? Eh, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit que tu as peur de l'ACP. Il a dit que tu as peur de l'ACP. Il a dit que tu as peur de l'ACP. Il a dit que tu Qu'est-ce qu'il dit? Il va me donner du money. Money? तेरे को तुम्हें पैसे नहीं तोल दूँगा। किसकी दी? किसकी दी नहीं यार टेंशन है चुप 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 चुप। वो तो शेर की तरह इधर आ रहा है। ये तो मेरे को डरा रहा है क्या? हाँ? हाँ? डरा रहा है मेरे को? अरे इंडिया में होता ना तो दस बार मार के दस बार गाड़ चुका है। एसीपी? एसीपी? Alors voilà, on le voit très souvent ici. ACP. Hé, tu fous ta gueule, tu fous, tu fous, tu fous, bang, bang, bang. उसको यहीं अक्सर देखा गया है। यहाँ पर? Il est peut-être dedans. हो सकता है वो अंदर ही हो। अंदर? Let's go. Bonjour, je peux vous aider? आप हिंदी बोल लेती हैं? जी। गुड। मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से आपसे पूछताछ करने आया हूँ। पूछताछ? किस बारे में? एक आदमी के बारे में। कौन आदमी? हरप्रीत डोंगरा, एचडी। हरप्रीत डोंगरा? जानती हैं आप इसे? इससे क्या पूछते हो एसीपी? हमसे पूछो हम बताते हैं। नो। Le jeu est terminé ACP. Je vais te tuer. तुम्हारा खेल खत्म ACP. Tu peux pas le tuer, c'est un flic. ये पुलिस है, तुम इसे नहीं मार सकते। तू भी मरेगी। Vas-y.
Fire! ये क्या किया तुमने? गोली मार दी। छेचुए, छेचुए। एसीपी को मारेगा? हाँ? एसीपी प्रद्युमन कभी अकेले नहीं होते, उनकी ताकत हमेशा उनके साथ चलती है। ए! अभिजीत, अभिजीत हाथ पे इस डोंगर है, यही कहीं छुपा है, ढूंढो उसे। Herr, ja. Du. Ja. Wann kommst du? Ja, ja. Okay. Ja, für den Mann. Ja. Ja. Yeah, yeah. Excuse me, I need to borrow your bike. Pardon? I need to case that man, please. Where is this too? I don't see any woman. What? 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 जब दया का हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। पियानो बता, तेरा बॉस कहाँ है?
ज्यूरिख? तो इतनी जल्दी ज्यूरिख कैसे पहुंच गया? रेस्टोरेंट ज्यूरिख। Excuse me. क्या आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी, आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमें हरप्रीत डोंगरा से मिलना है। किसे? हरप्रीत डोंगरा, वो यही आने वाला था ना। कौन? तुम्हारे गले में कुछ अटका है तो निकाल दो। है हरप्रीत डोंगरा कहाँ है? सर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं किसी हरप्रीत डोंगरा को नहीं जानता। जानते नहीं हो या पहचानना नहीं चाहते? इसे देखो और जरा ढंग से देखो और बताओ। इसे तो मैं जानता हूँ सर, ये अक्सर यहाँ आता जाता है, पर मैंने कभी इसका नाम नहीं पूछा। यही हरप्रीत डोंगरा है। अच्छा, ये आदमी तो थोड़ी देर पहले यहीं पे था। अभी भी यहाँ था? हाँ, कौन से टेबल? इसी टेबल पर बैठता है। यहाँ पे? सर मैं बाहर देखता हूँ। हाँ, अकेले आया था या साथ में कोई और भी था? वो अपने एक दोस्त के साथ था, अर्जुन। कौन अर्जुन? वो हमारे यहाँ वेटर का काम करता है। अर्जुन वेटर के साथ दोस्त? जरा बुलाओ इस अर्जुन को अभी। उसका तो शिफ्ट खत्म हो गया था, वो तो चला गया। इसे बाहर तो कहीं नहीं दिखाया। ये अर्जुन गया था? वो बर्न स्टेशन गया है सर, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने। गर्लफ्रेंड? उसकी एक रशियन गर्लफ्रेंड है, जब वो अपनी शिफ्ट खत्म कर लेता है तो उसको मिलने अक्सर चला जाता है। अच्छा, उसकी कोई फोटो वोटो है तुम्हारे पास? जी, एक मिनट लेके आता हूँ। हम जल्दी बर्न स्टेशन चलना चाहिए, कहीं अर्जुन निकल न जाए। हाँ सर जी, ठीक है। जगह के बारे में बताया, अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड से यहीं पे मिलने आता है। अच्छा, तो ठीक है, इंतजार करते हैं। चारों तरफ फैल जाओ। यही पकड़ लो, एसडी के बारे में यही उबल वाले थे इसे। नहीं दया, अभी नहीं, मुझे नहीं लगता ये अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आया है, तो दूसरी बात है, देखते हैं। ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं लग रही है, इनफैक्ट दोस्त भी नहीं लग रही है सर, दोनों टेंशन में है। हाँ, लड़की काफी डरी हुई लगती है सर। उसके हाथ में जो बैग है शायद उसी का कोई चक्कर होगा सर। ऊपर आ गए दोनों। Thank you.
जाके देखो क्या बातें हो रही है। अमृत बगल में खड़ा रहकर ध्यान से सुनना क्या बात करती हो। अच्छा और हर बात की खबर देना। अच्छा नाटक शुरू कर दिया। तो बैटिंग चल रही है सर। उसने उस लड़की से पहले पूछा कि तैयार हो, तो फिर उसके इशारे पे वैसे हंसने लगी। देखते हैं जरा, रुक कर देखते हैं। आदमी के हाथ में देखे बिल्कुल वैसा ही बैग है। सर यहाँ पे बैग की अदला बदली होने वाली है। ये टोपी वाला इस लड़की का बैग लेके जाएगा सर। ये देखिए ये उठाया सर, ये अरे ये तो अपना ही बैग उठा लेंगे। ये तो चला गया। ले पीछा करो उसका देखो। लेके पीछे जाता हूं। हाँ चल।
उसी का इंतजार कर रहा है। बैंक छोड़कर भाग गया सर। मैं जाऊं उसके पीछे। जल्दी जाओ। ये लड़की कौन है? यहां कर क्या रही है? टोपी वाले का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? वो मर गया। मर गया? डैम इट। डैम इट। निकल गए। बैग भी गया। जाना कहाँ चाहते हैं? रहस्य बढ़ता जा रहा है। आखिर इस बैग में है क्या? कोई कीमती चीज है तो जल्दी से जाके किसी को देख क्यों नहीं देते? ये पूरा बंड घुमा के रख दिया है। पता नहीं दूसरे बैग में क्या है। शायद इसी को पता चल गया हो कि वो टोपी वाला इन लोगों से क्या लेते गए।
हमारी शिकार तो निकल गई। क्या क्या हुआ क्या? वो टोपी वाला जो बैग लेके निकला था उसे किसी ने मार दिया, मगर मरने से पहले उसने वो बैग किसी लड़की के हवाले कर दी। तो वो लड़की कहाँ गई? अरे गई कहाँ, निकल गई हाथ से। हम लड़के को देखने भागे तब तक ये लड़की रफू चक्कर हो गई। तभी आदमी अपने पीछे कोई गवाह छोड़ ही नहीं रहा, काम निकला तो खत्म कर देता आदमी। रहेगा पास ना बजेगी पास। ऐसा करो, इन दोनों पर भी नजर रखो, इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। सर इन लोगों को पकड़ लेते हैं सर, इन्हीं से पता चल जाएगा इनके प्लान के बारे में। हाँ सर, हमारे साथ रहेंगे तो कोई अटैक भी नहीं कर सकेगा इन पे। ये सब क्या है? कौन है आप लोग? पहचाना नहीं? नहीं कोई बात नहीं, हमें तुम दोनों से कुछ बातचीत करनी है, समझे? लेकिन हमें बाद लोगों से कोई बातचीत नहीं करनी। अरे ऐसे कैसे, इतनी दूर से आए हैं तुम लोगों के पीछे पीछे, बर्न स्टेशन से लेके यहां तक बात तो करनी पड़ेगी। ये बैग का क्या चक्कर है और उस बैग में क्या था जो तुमने उस आदमी को दिया है? तुम लोगों की वजह से एक आदमी की जान गई है, किसी ने जान से मार दिया उसे। जब मेरा हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। हाँ, पियानो। In this land, man mag das nicht. Okay, okay. ये बताओ कि मामला क्या है? क्या है इस बैग में? हमें नहीं मालूम क्या बैग लेके घूम रहा है और बोल रहा है, मालूम नहीं है? सर हमें सिर्फ इस बैग को अपनी जगह पर पहुंचाने के लिए कहा गया था। ये सब काम करने के लिए कितने पैसे देता है तुम्हें एचडी? एचडी? HD? हाँ HD। सर हम किसी HD को नहीं जानते। इस आदमी को पहचानते हो? ये तो कैप्टन है सर। ये कोई कैप्टन वैप्टन नहीं है, ये HD है, यही है HD। अरे नहीं सर, हम इसे कैप्टन के नाम से जानते हैं। ये कोई कैप्टन चैप्टन नहीं है, अपराधी यही है, अपराधी। पहले एक CID ऑफिसर हुआ करता था, आजकल ये देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। देख बैग खोलो। बैग तो खाली है सर। कहाँ ले जा रहे थे ये खाली बैग? यात्रियों से फंटाश हुए कॉमन वीर वीर बिंगन हिंदर किन। क्या क्या बोला इसने? बस तो यही पास में है, और की बहुत पुरानी जगह है, सुंदर जगह है। ठीक है, तुम दोनों ये बैग कुकू क्लॉक पर जाके रखो, देखते हैं इस कुकू क्लॉक पर होता क्या है। तो ये है वो जगह कुकू क्लॉक वाली? हाँ सर, ये वही जगह। ये बैग कहाँ रखने वाले थे तुम लोग? सर वो जो साइन बोर्ड दिख रहा है सर, उसी के नीचे। ठीक है, तुम दोनों बैग रखो, अपना काम पूरा करो, आगे हम देखते हैं। चलो
है कि क्या करती है ये। लड़की तो गायब हो गए। बड़ी तेज गर्लफ्रेंड ढूंढी है तुमने, मुसीबत में तुम्हें हमारे पास छोड़कर चली गई। सर उस आदमी के पास देखिए सर, वो बिल्कुल वैसा ही बैग है। तो और भी लोग आ रहे हैं सामान लेकर, मानना पड़ेगा खाली बैग और भरी हुई बैग की अदला बदल करने के लिए बड़े लोग रखे हैं। क्या इस बैग में किस चीज की हो रही है इतनी लंबी प्लानिंग सर? अभिजीत, बैग के अंदर क्या है ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि इनके काम के बाद ये बैग लेकर कौन जाएगा। सारा मार्केट देख लिया, वो लड़की कहीं नहीं दिखी। कहीं नहीं? नहीं। कहाँ गई वो लड़की? मालूम है सर। कोई बात नहीं अभिजीत, आज नहीं तो कल मिली जाएगी, ये ही पहुंचाएगा हमें उस तक। सर बैग तीसरी बार बदला जाने वाला है, अब कौन लेने आएगा देखते हैं। खड़ी हो गई है। हाँ तो यार भी अभी तक यहीं था। इशारा कर रही है सर। अरे ये तो लेकर निकल गई। देख जल्दी तुम उस आदमी के पीछे जाओ। ये सर अभिजीत घायल करते हुए लड़की को पकड़ देते। Thank you.
बहुत भगाया हाँ किसने बचाए हाँ बोल हाँ नाम क्या तेरा रघु रघु ये पैसे किसके लिए लेने आया था नहीं मालूम नहीं एचडी कहाँ है एचडी हाँ हाँ वेर इज माय एचडी कैन नी मान फ्रॉम द माय एचडी एचडी कहाँ नहीं मालूम नहीं 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 जानता तू वरुण फ्रॉक्स टू मेक एक बैग के पीछे इतना हंगामा हाँ सर पता नहीं बैग में सोना भरा है कि बॉम्ब है कुछ भी हो जो कुछ भी है कुछ खास है इतने लोगों के हाथों में से ये बैग गया है एक आदमी का खून भी तो हुआ है इस बैग के पीछे हेलो मेरे पास ही है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ ठीक उसी तरह जा रहा है ओके वहीं आती हूँ यस मे आई हेल्प यू जी बिल्कुल तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो पीछा हम तो अपना काम कर रहे हैं डोंट एक्ट स्मार्ट तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं यही तो हम जानना चाहते हैं कि तुम हो कौन और इस बैग में क्या है बैग में हाँ इस बैग में क्या है मेरा बैग है मैं क्यों बताऊं इसमें क्या है देखो वैसे तुम सुबह से इस बैग का पीछा कर रहे हैं अब रहा नहीं जा रहा है जल्दी से बता दो क्या है बैग में देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगी सीआईडी तुम्हारे सामने है पुलिस को बुलाना चाहती हो मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी मैं हर पेश डोंगारा को ढूंढ रहा हूं अब बैग खुलेगी क्या है इसमें मुझे नहीं मालूम सच में नहीं मालूम है या बताना नहीं चाहती नहीं सर मुझे सचमुच नहीं मालूम बैग इधर दे बैग ला सारे पैसे और तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम मुझे कुछ नहीं मालूम सर सच सच बताओ ये पैसे डोंगारा के सर प्लीज मेरी मदद कीजिए वो मुझे मार डालेगा सर मार डालेगा हाँ सर इसने मुझे धमकी दी है इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ अरे है काम वो हैं? तो आते क्यों नहीं क्या क्या चल क्या रहा है अरे यार वो खेकड़े मेरे पीछे पड़ गए नहीं नहीं मैं कौन से समुद्र में नहा नहीं रहा हूं खेकड़े बोले तो वो स्वेड पीछे पड़ गए हाँ हाँ जानता हूं मैंने मार दिया तो उनको लेकिन वो मरते नहीं ना हाँ पड़ गए पीछे हाँ हेलो हाँ ये देखो मैं पांच मिनट सिर्फ पांच मिनट रात दिखूंगा वरना चला जाऊंगा हाँ वे गए रख रख फोन कर दे रख सर सारा पेट सही इकट्ठा हो गया पाया पेट होटल में पहुंचा दिया है कितना आपका इंडिया को बर्बाद करने का जो प्लान था ना उसके लिए काफी है मतलब इंडिया बर्बाद हो गया हाँ पक्का गरीबों के निकले थे चलो ऐसे मनाते जश्न मनाते हैं लेकिन वो सीआईडी वालों का क्या होगा सीआईडी वाले तो बर्बाद हो जाएंगे ना अरे इंडिया में रहेंगे तो मार सकते हो ना उनको मैं
लेकिन वो तो यहां भी आ गए, स्विट्जरलैंड में भी आ गए, मुझे सुनते सुनते कुत्ते। वो जूरिक में गया वहां भी है, बर्न में गया वहां भी, लेकिन अब सब खत्म, सब खत्म। हाँ सब खत्म। खत्म मतलब वो खत्म हो जाएंगे या आप? अबे मोइंजा दाड़ो, तू तो वही चाहता है ना, तू पटाखे फोड़ेगा, तू मिठाई बांटेगा, तू दिवाली मनाएगा। नहीं सर, ना तू दिवाली मनाएगा, ना तू मिठाई बांटेगा, ना तू पटाखे फोड़ेगा। क्योंकि वो यहाँ मुझे ढूंढने आए, मैं निकल जाऊंगा पेरिस, यहाँ बर्फ में मुझे ढूंढते ढूंढते बर्फ हो जाएंगे, मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिनिश फिनिश। सर मैं भी आऊँ मेरे साथ? हाँ हाँ चलोगे? हाँ। तो वो जो बुला रहे उसका क्या करोगे? कौन सर? कोई मेरा भी है बुलाने वाला। हाँ वही ऊपर वाला। कितने दिन मैंने तुम्हें सहन किया, उसने तुम्हें बुलाया, उसे भी सहन कर रहे तुम? कहा अंजलि, किसने दी धमकी तुम्हें? कौन कर रहा है ये सब? सर मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। वो कैसे? वो मेरे बच्चों को मार डालेगा सर। कौन कौन मार डालेगा? किसने पकड़ के रखा तुम्हारे बच्चों को? एचडी एचडी हरपिस डोंगरा, तुम्हारे बच्चों को उसने पकड़ के रखा है? ये एचडी के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है, तुम जानती हो उसे? मेरे पति उनके लिए काम करते थे, ऐसा ही कोई काम करते हुए उनकी मौत हो गई। घर में बच्चे थे सर, उनका पेट तो भरना ही था ना, इसलिए मदद के लिए मैं एचडी के पास चली गई और उसने मुझे पैसे दिए। और बाद में उसने तुमसे ये काम करवाया? मैंने बहुत मना किया सर, तो उसने कहा कि काम तो करना पड़ेगा वरना पैसे लौटा दो। मैं पैसे कहां से लौटाती सर? तो फिर क्या किया? उसने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। मुझे उसकी बात माननी पड़ी, काम करना पड़ा मुझे सर, डर की वजह से आज तक कर रही हूँ। तुम्हें मालूम था इस बैग में क्या है? नहीं सर। हजार हजार के स्विस फ्रैंक भरे पड़े हैं इस बैग में, और तुम कह रहे तुम्हें मालूम नहीं है? दो नंबर का पैसा यहाँ से वहां किया जा रहा है, समझे? खाली बैग रखो और भरा बैग लेके जाओ। वो फ्रेंच पुलिस वाली इंस्पेक्टर जुली ने बताया था कि हरफिज आजकल अमीर लोगों से मिल रहा है, पैसे ले रहा है उनसे। तुम ये बैग कहाँ लेके जा रही थी? ज्यूरिख स्टेशन कल। अच्छा, उस आदमी का फोन नंबर है तुम्हारे पास जिसे तुम मिलने वाली हो ज्यूरिख स्टेशन पर? दिखाओ जा। 0041-191-41। सर मुझे लगता है इसे कल ये बैग लेके ज्यूरिख स्टेशन जाना चाहिए, वहां पता चल जाएगा कि वो दूसरा आदमी है कौन। मैं? आइडिया तो अच्छा है अभिजीत, लेकिन इसकी जान को खतरा हो सकता है। तुम एक काम करो अनिल, जिस आदमी को तुम मिलने वाली हो उसे फोन करो और कहो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कोई और आएगा बैग लेकर। हेलो, अनीला बोल रही हूँ, वो मेरी तबीयत खराब हो गई है। नहीं, बैग आप तक पहुंच जाएगा कल, मेरा आदमी ले आएगा। नो नो डोंट वरी, मेरी पहचान का ही है। हाँ
बाय। अभिजीत ये बैग कल तुम लेके जाओ, देखते हैं कौन मिलता है ज्यूरिख स्टेशन पर। किसी में भी शक हुआ तो मैं बताता हूँ, पर उस आदमी को 5 बजे तक पहुँचना था। 5:05 हो चुके हैं। हाँ आदमी क्यों गया, कोई औरत भी हो सकती है। हाँ अभिजीत इस हरदेश जोंगारा के गैंग में बहुत सारी लड़कियाँ हैं तो सही। हाँ इतने पैसे छोड़ के कोई जाएगा क्यों, कोई ना कोई तो लेने जरूर आएगा। Hey! Vijit! तो ये मुझे फंसाने की चाल थी है? जी सर आपकी और कामयाब चाल, आपकी और आपकी साथियों की छुट्टी। अभी जल्दी से बाय बाय बोल दो। इतनी जल्दी क्या है, हमें जल्दी है तुम्हें ऊपर पहुंचाने की। अच्छा मारो इसे। मारना है तो आओ ना, देर किस बात की है। किसने भेजा तुम्हें? ये मच्छर लोग मारने चले थे। देख
जब मेरा हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो पियानो पियानो। किसने भेजा? पॉल, एक औरत है। औरत? हाँ। कौन औरत? मैं उसे नहीं जानता। आप लोग खत्म करने के बाद वो मुझे मिलने वाली है। मेरी इंतजार कर चुकी। ओहो, बेचारी बड़ी देर से परेशान हो रही होगी। चलो चलो, हम भी चलकर मिल लेते हैं। पक्का यकीन है तुम्हें? यहीं पर बुलाया था उस औरत ने? जी सर, यही जगह पर मुझे आने के लिए कहा था। यही वो मेरे काम के पैसे देने के लिए आई। काम तो हुआ ही नहीं सर। हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो। बर्न ऑफ में एग्जैक्टली कहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था? यहाँ सर, इस जगह। कहाँ? सही तो सर, आज तो क्या करते हो? कम कम, आटो फिर कम है, कम मोर फास्ट, कम। Come on, come on, move fast, come, move come, fast, come, come, fast. Come, come. Ha, bata. Kyun marna chahti ho hame? Wir haben nichts gemacht. Warum sollen wir sie töten? Das hat Herpes von uns verlangt. क्या कह रही है? ये कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया, हम आपको क्यों मारेंगे? और इसने करवाने के लिए कहा था। सिलुकी मदमुंदसा। इसने करने के लिए कहा था। इसने कहा था? हुई। तुम्हें क्या लगा? हम लोगों को मारना इतना आसान है? तुम्हें पता कैसे चलता था कि हम लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं? हमें कुछ नहीं मालूम, हमें जो कहा जाता है हम बस वही करते थे। सर, एक ही इंसान है जिसे मालूम था कि हम ये बैग लेके स्टेशन पे खड़े होंगे, और वो है अनिला। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो अनिला ही है। यस सर, अनिला। जी, अब बताइए क्यों क्यों मरवाना चाहती है हमें? मैं ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, समझे? सब कुछ सामने आ गया है। मैंने कुछ नहीं किया सर, सब कुछ उसने किया है। उसने? किसने? हर्पिस, हर्पिस डोंगारा सर। क्या? हर्पिस? हाँ सर, उसे पता चल गया कि आप लोग बैग का पीछा कर रहे थे। याद है उस दिन मुझे एक फोन आया था? हेलो, मेरे पास ही है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ ठीक उसी तरह जा रहा है। किसने किया था वो? हर्पिस ने। क्या? हर्पिस ने तुम्हें हमारी नाक के नीचे फोन किया और तुमने हमें बताया नहीं? मैंने कुछ नहीं किया सर, सब कुछ उस नटालिया ने किया है। जब वो आप लोगों से बचकर भागी तो उसने तुरंत हर्पिस को फोन किया और सब कुछ बता दिया उसे। मेरे बच्चों को हर्पिस ने पकड़ रखा है सर, मैं क्या करती सर? उसे भनक भी लग गई कि मैं आप लोगों को ये सब कुछ बता रही हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा वो मुझे सर। मेरे बच्चों को प्लीज बचा लीजिए सर, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए, प्लीज मेरे बच्चों को बचा। ओह, हे सर, वो मुझे मार डालेगा सर। मारेगा? तुम ठीक हो?
तुम भाग के नहीं जा सकते, देखो रुक जाओ। ऐसे नहीं मानेगा, उसे भागना ही पड़ेगा। भाग के जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही। एक बार हाथ आ गया ना इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। बैठ। हाँ पास, थोड़ा और पास, पास। ब्लास्ट हो गया बोट। सर, हेल्प! सर, हेल्प! लीव मी! सर, हेल्प! भाई! मैं यहां देख रहा था, कुत्ते में कोई अनिया को उठाकर ले गया। क्या जो आदमी से मारने आया था अब वो भी मारा गया ब्लास्ट में? सर, हरपिस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी गर्लफ्रेंड, वो गोरी सर, वही हमें हरपिस तक पहुंचाएगी। वो लड़की सबरीना हमें यहीं पर मिलने वाली है। सर, ये लड़की हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है। इस हरपिस डोंगारा के बारे में और जानकारी हमें यही लड़की दे सकती है। सर, हरपिस की गर्लफ्रेंड है, कहीं धोखा ना दे दे। दे दिया तो दे दिया, क्या कर सकते। ये वही है क्या? Je vous connais, non? Vous me suivez depuis Montmartre? Pourquoi? Sir, ये कह रही है कि ये आपको जानती है। तुम्हें मालूम है तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक क्रिमिनल है? Ton copain, c'est un grand criminel. Il a même essayé de nous tuer. मालूम है? उसने हमें भी मारने की कोशिश की थी। Non, ce n'est pas possible. C'est faux. Il n'aurait jamais pu faire ça. Sir, ये बोल रही है ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है। वो ऐसा नहीं कर सकता। जरा इन्हें बताओ कि हम लोग CID मुंबई से आए हैं। हम वहां से यहां तक हरपिस डोंगारा को पकड़ने के लिए आए हैं। उसने हमारे पूरी CID टीम को जान से मारने की कोशिश की। Il sont venus de Mumbai, c'est des policiers. Ton copain a essayé de tuer tous ces gens en Inde. Listen, हमारी मदद करो हरपिस डोंगारा को पकड़ने में। Maintenant, vous allez nous aider à le rattraper. Oui, je vais vous aider. सर, ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है। देर लग गया सर। हाँ, इसको बोलो बुलाए यहाँ पे उसे। Écoute, demande à ton copain de venir ici, appelle-le. D'accord, mais on ne s'est pas croisé depuis plusieurs jours. सर, वैसे भी काफी दिनों से ही अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली है, ये उसको फोन करेगी। ठीक है, जल्दी करो। Hello, Michael. Est-ce que je pourrais parler à HD? Allô, darling. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Il a raccroché. Il a dit qu'il avait une autre copine et qu'il voulait plus me voir. Usne kaha ki ab uski nayi girlfriend hai. Wo isse nahi milna chahta. Ne vous inquiétez pas, je vais le rappeler moi. Allô Michael? C'est Sabrina. ये HD यहीं कहीं छुपा है,
यहीं कहीं आसपास, यही जगह बताई थी उस महिपाल ने। इंटरलॉक इन्वेस्ट तो यही है सर। शुरुआत में जो पैसे इकट्ठे कर रहा है वो किसी बड़े खतरनाक काम के लिए कर रहा है, शायद हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। मगर वो सब यहाँ बैठ के क्यों कर रहा है? जिस तरीके से उसने हमें ख़त्म करने की कोशिश की थी उससे ऐसा लगता है वो कुछ भी कर सकता है। उससे अभी यही नहीं रोका गया तो देश में बर्बादी फैला देगा सर। तो मुझे लगता है अगर वो मिल गया तो हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे सर। हाँ, गिरफ्तार नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसे। हाँ सर, थोड़ी देर के लिए ही है ना। थोड़ी देर के लिए। फोटो दिखाओ सबको। हाँ सर। हाँ जी, एक औरत ने देखा हर्पिस को यहाँ पे। देखा? हाँ। क्या जी? हर्पिस है यहीं पे, एक लड़की के साथ घूम रहा है। वो बता रहा था कि पैराग्लाइडिंग करने आए थे वो लोग, पैराशूट से छलांग मारने के लिए। पैराग्लाइडिंग? हाँ। अच्छा, मतलब हर्पिस अब हवा में उड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ऊपर से देख के भाग जाए वो? तो ऐसा करो, तुम भी ऊपर जाओ अभी के अभी और देखो इनमें से कौन है वो हवा के झोंके खा रहा है। हाँ अभिजीत, पहुंच गए क्या? हाँ सर, मैं ऊपर पहुंच गया हूँ। कितना टाइम है तुम्हें फ्लाई करने में? ये पैराशूट वगैरह फैला रहे हैं सर। कितना वक्त है उड़ने में? मेरा ख्याल है एक मिनट में। सर अभी टेक ऑफ किया है, क्या वो हर्पिस दिख रहा है क्या तुम्हें ऊपर? असर मैं देख रहा हूं, यहां तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं इधर उधर चला गया हो तो कह नहीं सकते। अच्छी तरह से देखो अभिजीत, तुम्हारी नजर से छूट ना जाए। सर,
हाँ सर, वो लड़की अनीला कहाँ पर है वो? हाँ सर, वो नीचे है, मैंने देखा उसे। हाँ सर, पार्क में, पार्क में। हम लोग तो पार्क के पास में ही है, आपसे तो 200 मीटर दूर होगी सर। बस तो हम लोग अभी वहां जाते। या हाँ बिल्कुल सेंटर में चल रही है सर, मैंने देखा उसे। आप लोग जल्दी आइए सर, जल्दी। गुड, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, देखिए वो आपको यहाँ पे। नहीं अभिजीत, जब तक हम लोग यहाँ पहुंचे वो निकल गई। अभिजीत, तुम्हें यकीन है वो अनीला ही थी? सर बिल्कुल यकीन है, वो अनीला ही थी सर। साफ साफ दिख रहा था ऊपर से। सर मुझे पूरा यकीन है वो अनीला ही थी सर। तो हमें तो लग रहा था कि अनीला की जान खतरे में है, उसका किडनैप हो गया और वो यहाँ घूम रही थी। तो जो लड़की हरप्रीत डोंगारा के साथ है वो अनीला है। इतने आराम से घूम रही थी सर, वो हरप्रीत के साथ नहीं है। ऐश कर रहे हैं दोनों यहाँ पे। इसका मतलब सर ये लड़की हरप्रीत के गैंग वाली है, और जो गोलियां चली थी वहां चेट्टी में वो अनीला को मारने के लिए नहीं, वो हमारे लिए थी। इस अनीला को ही ढूंढो, जहां पर वो है वहीं पर हरप्रीत डोंगारा भी होगा। यहाँ के एक एक होटल में जाकर देखो, देखो कहां छुप कर बैठे दोनों। सर इंटरलाकिन के सारे होटल्स देख लिए, ना ही हरप्रीत डोंगारा और ना ही वो लड़की अनीला को किसी ने देखा है। छुप के बैठे कहां है? इंटरलाकिन तो बहुत छोटी सी जगह है। जहां कहीं भी अभिजीत, लेकिन वो इंटरलाकिन से निकलना नहीं चाहिए। अगर यहां से निकला तो मिलना बहुत मुश्किल है। सर हरप्रीत नहीं है कहीं, ये उससे मिलने तो नहीं जा रही। पकड़ो उसे। अभिजीत यही पे थी, तो फिर वो यही के आसपास ही होनी चाहिए। ढूंढो ढूंढो। सर सर पता चल गया, वो यहाँ थी शिल्टन में। शिल्टन? ये शिल्टन है क्या? सर शिल्टन पहाड़ों के ऊपर एक जगह है, करीब 10,000 फीट पे। वहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, और इस अनीला ने म्यूरेन के लिए 2 टिकटें खरीदी है। म्यूरेन कहाँ है? ये शिल्टन के रास्ते में ही पहाड़ी के बीच में एक छोटा सा गाँव है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। ये बता रहे थे कि उससे खूबसूरत जगह यहाँ पे कोई है ही नहीं। टिकट किस चीज के लिए खरीदी? क्या वहाँ पर कार वगैरह जाती नहीं? नहीं सर, वहाँ पे कार वगैरह नहीं जाती है। वहाँ पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, केबल कार। और अनीला ने वहाँ पे जाने के लिए 2 टिकटें खरीदी हैं सर, 2। मतलब हरप्रीत डोंगारा म्यूरेन दर्शन के लिए निकला है। चलो हम भी म्यूरेन की टिकटें खरीदते हैं, वहीं पे दबोचेंगे दोनों को।
जाने वाली जा रही हो? जरा फोटो देखना, इन दोनों को देखा है यहाँ पे? इन दोनों ये अभी भी इधर से? हाँ, ये दोनों साथ में थे? हाँ सर, चलो। आप जिसके खबर यहीं खोद दे आऊंगा सर। हाथ में है तो गोली मार दो। यस सर। हाँ ये धरती पे कहीं स्वर्ग होगा ना तो यहाँ पे ये भगवान ने बहुत ये फुर्सत से बनाए हुए इधर देखो, इसे तराश तराश के बनाई है। जिस जगह पे आने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसी खूबसूरत जगह पे इस गंदे आदमी के पैर पड़ गए। अब ये ज्यादा कीचड़ नहीं फैला पाएगा सर, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। ये आदमी एक बार हाथ लग जाए फिर देखना इसकी। हाँ वहां देखो कितने प्यारे लाल फूल हैं। ये लाल फूल देखे मुझे खून की याद आती। चलो चलो मजा करता हूँ। चलो यहाँ पे छोटे छोटे होटल हैं, हर एक होटल में जाकर देखना पड़ेगा कहाँ पे छुपा है ये। चाहे कुछ भी हो जाए सर, खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाथ उसके गर्दन तक पहुंचने के लिए मच मचा रहे हैं सर। ऐसा मजाक मत करो। ओके ओके आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। मैं कान पकड़ के उठक बैठक करता हूँ। एचडी कितने अच्छे घर है ना यहाँ पर। हाँ मैं भी सोचता हूँ कि एक हाथ ये झोपड़ा खरीद लूँ। बहुत महंगे होंगे। नहीं नहीं यही कोई 15 करोड़ के होंगे। छुट्टी 15 करोड़? हाँ फिर देखो। एचडी एचडी कितना फ्रेश पानी है। हाँ पी लो। क्या हुआ, काटा कोई? एसीपी। अरे एसीपी तो इतना बम से उड़ा फिर भी मरता नहीं। चल भाग। अर्पित अर्पित रुक जा। ये गया किधर?
आधे देखा नहीं क्या तो नहीं हुआ क्या हुआ देखा नहीं मैं कहाँ भाग सकता हूँ चल जल्दी नहीं वो लोग हमें पकड़ लेंगे तुम उनसे माफी मांगो प्लीज अरे माफी मांगने के लिए मैंने कहा उनका रबर बैंड पूरा है इतना बड़ा बम फटा उन लोगों ने मुझसे माफी मांगने के लिए चल चल ए माफी हर्पेस बस माय गॉड गोली लड़की को लग गए साथ फिर बच गया सर जल्दी जाके छुप रहा है छुपने दो कहां तक छुपेगा Thank you.
नीचे देखो, नीचे नीचे जाकर छुप गया होगा। देखो यहीं कहीं छुपा होगा, छोड़ो मत उसे। यहां छुप के बैठा है। अच्छा, हरप्रीत डोंगारा, मैंने कहा था ना तुझे, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, सीआईडी तुझे ढूंढ ही लेगी। ये तो एक पहाड़ है एसीपी, बहुत सारे पहाड़ है, मैं कहीं 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 भी छुप जाऊं, कूद जाऊंगा। तुझे यहां से जाने देंगे तब ना? एक एक नहीं 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 नहीं, मार नहीं, मजाक कर रहा हूं, मजाक। सर ये सांप है, सांप ये काटेगा जरूर। ये सरेंडर। मर गया हरप्रीत डोंगर? जलस। एसीपी प्रद्युमन, मैं तेरे से अच्छा सीआईडी ऑफिसर, मेरे से अच्छा सीआईडी ऑफिसर। तू एक सिफारिश से आया हुआ ऑफिसर था, पीछे के दरवाजे से घुसा था सीआईडी में। तू सीआईडी के नाम पे कलंक है। वैसे खाने के चक्कर में पकड़ा गया था ना तू? नहीं नहीं नहीं, ये इसने फंसा था मेरे को, इसने प्रद्युमन ने आधा आधा इसको दिया था मैंने, यार दिया। देश को बेचने निकला था तू कभी ने? हाँ, अरे देश की क्या सोच रहा था, देश का सोचना नहीं, खुद की सोच। देख मेरे को ना, तू हॉस्पिटल लेके चल, बचाना तो तेरे को मेडल देगा देश, तेरे को मेडल देगा, उसको मैं गोल्ड प्लेट करूंगा। केस कर दूंगा। आखिर तक माफी नहीं मांगी इसने, इसे तो ऊपर भी सजा मिली। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।